इसके साथ। अनि तुम फुटबॉल कब से खेलने लगे? हाँ तकेशी 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 पास 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 सिचुके सिचुके एंड एंड गोल। तो राम राम, दो और प्यार दो इस मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये मूवी रोमांच से भरी होगी, तो पहले हम इसका ट्रेलर। मुझे नफरत है तुम्हारे बिल्कुल पोस्टों से। मुझे भी नफरत है तुम्हारे स्टेनलेस स्टील के बर्तनों से। पूरे किचन को तुमने किराने की दुकान बना दी। हिंदी का मर्डर करना बंद करो। हैप्पी एनिवर्सरी योजी डार्लिंग। आज रात वापस जाना जरूरी है। बिल्कुल नहीं। You know you have to tell him sometime. I know. Goose spine any good? Tell him, otherwise it's over between us. I just don't know how to tell him. आधी जिंदगी बताई हमने साथ में। बेड छोटा नहीं लगा? बदल दिया क्या? बेड तो सेम, but I guess हम इस पे सोते ही गाते। उस रात तुम सिल्क स्मिता वाली नाइटी नहीं पहन के आती। कुछ नहीं होता, मैं तो पहन के आई थी, उतारी किसने? काश मुझे पता होता कि बात दोनों में से बोलूं किसे। मेरा ही होगा है ना? What do you want from me, Cubs? वीगन्स को सेक्स के बाद चिकन अलाउड है क्या? दो और प्यार दो, जो ये मूवी का ट्रेलर था ना, ये पूरा रोमांस से भरा था। इसमें प्रतीक गांधी और विद्या बालन शुरू शुरू में पति पत्नी दिखाए जाते हैं। उनको स्टील के बर्तनों से बहुत एनर्जी होती है। वो कहते हैं पूरे किचन में तुमने स्टील के बर्तन फैला कर रखे। ये बात प्रतीक गांधी को पसंद आते हैं। फिर उनको एलिना से प्यार हो जाता है, एलिना डिसूज से। और विद्या बालन शीर्ष गुहा से कहती है कि हिंदी का मर्डर करना बंद करो, क्योंकि वो शायद बंगाली होते हैं और उनको हिंदी बोलना नहीं आता, पर वो बोलने की कोशिश पूरी करते हैं। पर जब वो दोनों वापस आते हैं तो निर्माता है ना, अमीर नायक दीपक सहगल, इन्होंने जो मूवी बनाई है ना, पूरी रोमांस से भरी बनाई है। रोमांस में कैसे तकरार होती है, फिर वो अलग होते हैं, फिर वो कैसे मिलते हैं, फिर दोनों में झगड़ा कितना होता है, फिर वो कहते हैं कि तुम सिल्क की नाइटी पहन के आई थी, तो विद्या बालन कहती है वो उतारी तो तुम्हें नहीं थी ना, यही कहने वाली हो ना। इसलिए कि पहले तो उनको बर्तन के लेके टकरार होते हैं कि लोहे के बर्तन होते हैं, फिर इसके बाद में जब उनको प्यार होता है तो वो पुरानी बातें याद करके खुश हो जाते हैं और पार्टी करते हैं दोनों पति पत्नी। रोमांस से भरा था, पर जितना रोमांस और आसान दिख रहा है ना, हमारे समझ में उतना आसान है नहीं। ये तो मूवी में देखने के बाद ही पता चलेगा ना कि रोमांस था या रियल में झगड़ा था, या उनका तलाक हुआ था, या तलाक होने जा रहा था तो उनका समझौता हो गया था। ये सब कुछ मूवी भी देखने के बाद ही पता चलेगा। पर हाँ, ट्रेलर अच्छा था, कॉमेडी से भी सस्पेंस भी है थोड़ा थोड़ा। सस्पेंस ये है ना कि जब वो एक्स से मिल जाते हैं और एक्स के पेट में जब बच्चा होता है तो वो बच्चा किसका होता है, एक्स का होता है या प्रतीक गांधी का होता है? विद्या बालन के पेट में शायद बच्चा है, ट्रेलर में शायद ऐसा दिखाया गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। तो शीर्ष गुहा का है कि यह उनके पति प्रतीक गांधी का है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, खिचड़ी तो पकी है, अब कहाँ पकी है, किसके साथ पकी है, किसने खाई है, ये हमें सब कुछ मूवी में देखने के बाद पता चलेगा। और मूवी 19 अप्रैल 2024 को सिनेमा घरों में दिखाई। बट छोटा कैसे लग रहा है? तो कहते हम इस पे सोए कब थे, मतलब एक रोमांस है कि इस मूवी का नाम ही ऐसा है। इसमें दो कपल्स दिखाए जाते हैं,
विद्या बालन प्रतीक गांधी पति पत्नी होते हैं। वो उधर कहते हैं ना डिकूज उधर कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो कहते हैं कि इस बच्चे का बाप मैं ही हूँ। अब वो है या नहीं है ये हमें 19 अप्रैल को सिनेमाघरों में देखने के बाद पता चलेगा। इधर शायद विद्या बालन भी प्रेग्नेंट है। देखना ये है ना कि ये मूवी रोमांस से भरी थी वो कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाती है, और जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना तो उसमें कौन किसका साथ देता है और उसमें क्या सच निकल के आता है, ये सब कुछ हमें सिनेमाघरों में देखने के बाद ही पता चलेगा। पर हाँ ट्रेलर बहुत अच्छे में दिखाया जाता है कि दो कपल्स रहते हैं और जब छोटी मोटी टकरार या बड़ी टकरार से वो अलग हो जाते हैं ना, और फिर उन्हें एक दूसरे से एक्स से प्यार हो जाता है, उनकी एक्स प्रतीक गांधी की और विद्या बालन की, उनसे प्यार हो जाता है, फिर दोनों एक हो जाते हैं, पति पत्नी दोनों एक हो जाते हैं। तो बहुत कम मूवी में दिखाया जाता है कि दोनों एक हो जाते हैं, और एक हो जाते हैं तो पूरी तरीके से घुल मिल जाते हैं। तो एलियाना का और शेष गुआ का क्या होने वाला है ना, जितना ये ट्रेलर 2 मिनट 19 सेकंड का था साधारण लग रहा है ना, उतना साधारण है नहीं। ये तो हमें मूवी में देखने के बाद में पता चलेगा ना कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड कहानी थी और कितनी आसानी से ट्रेलर में 2 मिनट 19 सेकंड में दिखा दिया गया। क्योंकि बाद में बहुत अच्छा लगता है जब विद्या बालन और प्रतीक गांधी एक हो जाते हैं, वो पुरानी बातें याद करते हैं, पार्टी करते हैं, और जब उनकी एक्स फोन करती हैं तो वो कहते हैं मैं फुटबॉल मैच खेल रहा हूँ, और फिर उनके बहुत सारे बॉस आ जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं मारो मारो मारो, और एक क्लास से फुटबॉल मारते हैं जबकि फुटबॉल खेल ही नहीं रहे होते हैं, वो उनसे झूठ बोल रहे होते हैं और विद्या बालन को प्यार कर रहे होते हैं क्योंकि वो उनकी बीवी होती है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये ट्रेलर आपको कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ, रिएक्शन वाले जिनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।